पश्चिम रेलवे द्वारा उत्तरायण ने लईने लोकोने रेलवे ट्रेक नी नजीक पतंग न उड़ाड़वा माटे निवेदन आपवामां आव्युं हतुं। रेलवे ट्रेक अत्यारे इलेक्ट्रिफिशियल थई गयुं छे, तेथी रेलवे ट्रेक उपर 25,000 नो हाई वोल्टेज छे, तेथी कोई पण वस्तु जो तेनी नजीक आवे तो तेने खेंची लेवानी क्षमता धरावे छे। तेथी उत्તરાયણના पर्व पर कोई पण व्यक्ति रेलवे ट्रेक नजीक पतंग न उड़ावे अने फसाई गयेली पतंग काढवानो प्रयत्न न करे तेवो अनुरोध रेलवे द्वारा लोकोने करवामां आव्यो हतो। देखिए, गुजरात का उत्तरायण त्यौहार बहुत ही पावन और जिसमें कि लोग पतंग को उड़ाकर अपने पर्व को मनाते हैं, तो ये पर्व के लिए पहले से ही करीब 15-20 दिन पहले से ही पतंगों का उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन रेलवे ट्रैक के ऊँचों ऊपर हाई वोल्टेज लाइन जाती है जिससे कि हमारी रेल चलती है, क्योंकि अभी अहमदाबाद मंडल पर पूरा ट्रैक रेल जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो जो ऊपर जो लाइन जाती है उसका वोल्टेज 25,000 वोल्टेज का होता है, बहुत तो ज़्यादा वोल्टेज होता है जिससे कि कोई भी चीज़ को अगर दूर से ही खींच लेता है। तो हम जो भी हमारे लोग पतंग का शौक रखते हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि रेलवे ट्रैक के आसपास वो पतंग ना उड़ाएं, अगर कोई पतंग फंसी हुई है तो उसको निकालने का प्रयत्न ना करें, तो उससे हमारे जो भी लोग हैं उनको हानि हो सकती है और जनहानि भी हो सकती है। तो ऐसी पोजीशन में हम लोगों का जो लोगों से निवेदन है वो यही है कि रेलवे ट्रैक के आसपास पतंग ना उड़ाएं और ना ही किसी तरह से उसको टच करें, उससे रेलवे में बाधा हो सकती है क्योंकि जो लाइन है टूट सकती है और टूटने के बाद में जो रेलवे यातायात है वो बाधित हो सकता है और साथ में जनहानि भी हो सकती है। तो एक बार पुनः सभी से निवेदन है कि उत्तरायण अच्छे से मनाएं और उत्तरायण की बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन अपनी जान की हिफाजत रखते हुए रेलवे ट्रैक के आसपास पतंग ना उड़ाएं। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों वधु एक विवादित निर्णय प्रकाश में आव्यो छे। एमसी द्वारा कॉर्पोरेटर ने हाईटेक बनावा माटे नवा लैपटॉप आपवामां आवशे, तेमज अगाउ पण तमाम कॉर्पोरेटर ने मोबाइल फोन आपवामां